नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंचे। खबर है कि इस मुलाकात में 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की चर्चा हुई। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के सी त्यागी का कहना है कि हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता हैं और उन्हें इस विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की पहल करनी चाहिए। केसी त्यागी ने ये सब बातें नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कही। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक चली, जिसमें बेहतर तालमेल और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने पर चर्चा हुई। केसी त्यागी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। साथ ही उनका कहना है कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस की ओर से इस बात की पहल की जानी चाहिए।